अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर पटना से है, जहां पंडित नेहरू की 135वीं जयंती आज, और जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहे। राजकीय सम्मान के साथ पंडित नेहरू का किया गया माल्यार्पण। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आज पंडित नेहरू की 135वीं जयंती है, और ऐसे में जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे, और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे, और राजकीय सम्मान के साथ पंडित नेहरू का माल्यार्पण किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज 135वीं जयंती है, और ऐसे में आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोगों ने नमन किया है, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, पंडित नेहरू की आज 135वीं जयंती है, और ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी आज श्रद्धांजलि देकर पंडित नेहरू को याद किया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 135वीं जयंती है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय समारोह जो है उसके उसमें शिरकत किया। पीएम माफ करें सीएम नीतीश कुमार के साथ कई बिहार कैबिनेट के मंत्री जो थे वो मौजूद रहे। देखिए ऐसे में पहले ही नेहरू जो पट्टा का बेली रोड था उसका नाम पहले ही बदल दिया गया था, और पंडित नेहरू पथ कर दिया गया था। वहां पर जो नई मूर्ति लगी है उसका माल्यार्पण जो है वो किया गया, तो कह सकते हैं ये काफी अहम होता है। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे, माल्यार्पण किया, और कह सकते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ उनकी जयंती जो है वो मनाई गई। हाँ उत्कर्ष, और जिस तरह से आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया, और इस अवसर पर और क्या कुछ खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरीके से राजकीय सम्मान के साथ उन्हें माल्यार्पण किया गया, जहां पर खुद राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, कई नेता मौजूद रहे। हालांकि वहां पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि हाँ। मुख्यमंत्री का आज विशेष कैबिनेट बुलाया गया, इस वजह से मुख्यमंत्री ने केवल 10 मिनट वहां पर रुक के श्रद्धांजलि अर्पित की, जयंती मनाया और वहां से निकल गए। हाँ ठीक है उत्कर्ष, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती है, और ऐसे में आज मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। अगली खबर की ओर, अगली बड़ी खबर पटना से है, जहां पंडित नेहरू की 135वीं जयंती आज, और जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहे। राजकीय सम्मान के साथ पंडित नेहरू का किया गया माल्यार्पण। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आज पंडित नेहरू की 135वीं जयंती है, और ऐसे में जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे, और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे, और राजकीय सम्मान के साथ पंडित नेहरू का माल्यार्पण किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज 135वीं जयंती है, और ऐसे में आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोगों ने नमन किया है, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, पंडित नेहरू की आज 135वीं जयंती है, और ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी आज श्रद्धांजलि देकर पंडित नेहरू को याद किया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 135वीं जयंती है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय समारोह जो है उसके उसमें शिरकत किया। पीएम माफ करें सीएम नीतीश कुमार के साथ कई बिहार कैबिनेट के मंत्री जो थे वो मौजूद रहे। देखिए ऐसे में पहले ही नेहरू जो पट्टा का बेली रोड था उसका नाम पहले ही बदल दिया गया था, और पंडित नेहरू पथ कर दिया गया था। वहां पर जो नई मूर्ति लगी है उसका माल्यार्पण जो है वो किया गया, तो कह सकते हैं ये काफी अहम होता है। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे, माल्यार्पण किया, और कह सकते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ उनकी जयंती जो है वो मनाई गई। हाँ उत्कर्ष, और जिस तरह से आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया, और इस अवसर पर और क्या कुछ खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरीके से राजकीय सम्मान के साथ उन्हें माल्यार्पण किया गया, जहां पर खुद राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, कई नेता मौजूद रहे। हालांकि वहां पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि हाँ। मुख्यमंत्री का आज विशेष कैबिनेट बुलाया गया, इस वजह से मुख्यमंत्री ने केवल 10 मिनट वहां पर रुक के श्रद्धांजलि अर्पित की, जयंती मनाया और वहां से निकल गए। हाँ ठीक है उत्कर्ष, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती है, और ऐसे में आज मुख्यमंत्री ने
श्रद्धांजलि देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। अगली खबर की ओर, अगली बड़ी खबर पटना से है, जहां पंडित नेहरू की 135वीं जयंती आज, और जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहे। राजकीय सम्मान के साथ पंडित नेहरू का किया गया माल्यार्पण। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आज पंडित नेहरू की 135वीं जयंती है, और ऐसे में जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे, और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे और राजकीय सम्मान के साथ पंडित नेहरू का माल्यार्पण किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज 135वीं जयंती है, और ऐसे में आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोगों ने नमन किया है, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, पंडित नेहरू की आज 135वीं जयंती है, और ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी आज श्रद्धांजलि देकर पंडित नेहरू को याद किया है, क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 135वीं जयंती है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय समारोह जो है उसमें शिरकत किया। सीएम नीतीश कुमार के साथ कई बिहार कैबिनेट के मंत्री जो थे वो मौजूद रहे। देखिए ऐसे में पहले ही नेहरू जो पटना का बेली रोड था उसका नाम पहले ही बदल दिया गया था और पंडित नेहरू पथ कर दिया गया था। वहां पर जो नई मूर्ति लगी है उसका मलार्पण जो है वो किया गया, तो कह सकते हैं ये काफी अहम होता है। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे, माल्यार्पण किया, और कह सकते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ उनकी जयंती जो है वो मनाई गई। हाँ उत्कर्ष, और जिस तरह से आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया, और इस अवसर पर और क्या कुछ खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? अब बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरीके से राजकीय सम्मान के साथ उन्हें माल्यार्पण किया गया, जहां पर खुद राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, कई नेता मौजूद रहे। हालांकि वहां पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री का आज विशेष कैबिनेट बुलाया गया, इस वजह से मुख्यमंत्री ने केवल 10 मिनट वहां पर रुक के श्रद्धांजलि अर्पित की, जयंती मनाया और वहां से निकल गए। हाँ ठीक है उत्कर्ष, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती है, और ऐसे में आज मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। अगली खबर की ओर, अगली बड़ी खबर पटना से है, जहां पंडित नेहरू की 135वीं जयंती आज, और जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहे। राजकीय सम्मान के साथ पंडित नेहरू का किया गया माल्यार्पण। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आज पंडित नेहरू की 135वीं जयंती है, और ऐसे में जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे, और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे और राजकीय सम्मान के साथ पंडित नेहरू का माल्यार्पण किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज 135वीं जयंती है, और ऐसे में आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोगों ने नमन किया है, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, पंडित नेहरू की आज 135वीं जयंती है, और ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी आज श्रद्धांजलि देकर पंडित नेहरू को याद किया है, क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 135वीं जयंती है, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय समारोह जो है उसमें शिरकत किया। सीएम नीतीश कुमार के साथ कई बिहार कैबिनेट के मंत्री जो थे वो मौजूद रहे। देखिए ऐसे में पहले ही नेहरू जो पटना का बेली रोड था उसका नाम पहले ही बदल दिया गया था और पंडित नेहरू पथ कर दिया गया था। वहां पर जो नई मूर्ति लगी है उसका मलार्पण जो है वो किया गया, तो कह सकते हैं ये काफी अहम होता है। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे, माल्यार्पण किया, और कह सकते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ उनकी जयंती जो है वो मनाई गई। हाँ उत्कर्ष, और जिस तरह से आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया, और इस अवसर पर और क्या कुछ खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? अब बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरीके से राजकीय सम्मान के साथ उन्हें माल्यार्पण किया गया, जहां पर खुद राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, कई नेता मौजूद रहे। हालांकि वहां पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री का आज विशेष कैबिनेट बुलाया गया, इस वजह से मुख्यमंत्री ने केवल 10 मिनट वहां पर रुक के श्रद्धांजलि अर्पित की, जयंती मनाया और वहां से निकल गए। हाँ ठीक है उत्कर्ष, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया।